देखो अज जड़ा है इतने बी आर एस नगर च एक जोत हेल्थ केयर च असी अज एक फाइब्रो स्कैन का कैंप लाया। ये कैंप ऑलमोस्ट असी पिछले कई महीनों तो एवरी मंथ का जो फर्स्ट मंडे होंगे ये असी शाम को 4 से 7 लाने हैं। यूजली ये जो टेस्ट हैगा ये काफ़ी हॉस्पिटल्स आप देखते हैं कोई 3500 3700 4000 का टेस्ट हैगा, बट असी अवेयरनैस के चलते इस टेस्ट की अवेयरनैस बहुत घट्ट आ। किसी नहीं पता भी लिवर फाइब्रो स्कैन की इंपोर्टेंस की हैगी, जो कि असी पहला सोचते सी भी ये शराब नहीं पीता इन लिवर में कुछ नहीं हो सकता, बट पिछले कुछ सालों तो जी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है जिन्होंने असी मैश भी कह देते हैं पहला अच्छे लाने फंडी कहने हैं, जोड़े शराब नहीं भी पीते उन्होंने भी जी है ना लिवर फिरोसिस की प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा आ रही। सो ये लिवर इदा है कि जो एक बार लिवर सिरोसिस स्टेज पहुँच जाए तो फिर उनका कोई इलाज नहीं है, फिर अपन लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है ता जो लोगों सही टाइम पर पता लग जाए भी तो लिवर की हेल्थ किन्नी है, किदा भी तो लिवर की हेल्थ चल रही है, ये जो टेस्ट है ये असं जो फाइब्रो स्कैन आप कर सकते हैं। जिन्हें कारण ने लिवर खराब होने के वो है मोटापा। सो जिन्हें लोग ओबीज ने जिन्हों का BMI बहुत ज़्यादा हैगा उन्होंने इस जो क्रॉनिक लिवर डिजीज है जल्दी होंगी। अज असी एक 28 साल का यंग मुंडा देखा बहुत मोटा, वो अल्कोहल भी नहीं पीता लेकिन उन्होंने लिवर ऑलमोस्ट सिरोटिक होया हुआ है। सो बाकी अल्कोहल जोड़े लोग कई सालों तो अपने पंजाब आप रहने तुम्हें पता ही है कि भी इतने काफ़ी जो लोग है शराब का सेवन करते हैं तो उन्होंने कई कई साल पता ही नहीं लगता भी साढ़े अंदर लिवर की हेल्थ हो रही है, वो एज सच जो सिरोसिस पहुँच जाते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज हो जाती है उदों साढ़े को आते हैं पर वो तकन बहुत देर हो चुकी होंगी है। सो जिन्हें भी लोगों को कहीं काला पीलिया होया हो क्योंकि काला पीलिया भी एक ऐसी चीज़ है, एक बार जॉन्डिस होंगे उस तो बाद जॉन्डिस हो या ना हो लेकिन वो काला पीलिया का जो वायरस है वो तो अंदर लिवर के हौली हौली लिवर में खा जाता है तो सिरोसिस हो जाता है। सो ए जो लोग हैं जिन्होंने कहीं काला पीलिया होया हो या वैसे जॉन्डिस होया हो उन्होंने भी रेगुलर अपना फाइब्रो स्कैन चेक के प्रबंध लेना चाहिए। सो अज असी इतने कैंप लाया से लोगों को दसन नहीं भी अपनी लिवर का भी ख्याल रखो, तुम अपनी बाकी ब्रेन का हार्ट का अपना किडनिया का ख्याल रखते ही हो अपने ज्वाइंट अपने का ख्याल रखते हो, बट एक लिवर हेल्थ भी जी है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर, एक वेदर चेंज हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ा किस तरह ध्यान रखा जा सकता है? चलो जी सब तो पहला तो मैं जाने पर सीधा बहुत बहुत धन्यवाद है कि इदा दागरूक वाली चीज़ा जो लोगों को दसते रहते हैं और व्यूअरशिप काफ़ी जाने पर सी जी है वो बढ़ रही है। वैदर चेंज हो रहा है नो डाउट, लोग चाइना के नमोनिया तो बाद डरे भी हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि टेंपरेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा दिन के रात के बीच तो अपने आप जो अच्छे कपड़े पूरे पूरी बाल में पा के रखो, सिर को ढक के रखो, तो जो आप स्कूटर जाने हेलमेट पा के पूरा अपने आप को कवर करके रखो। हालांकि बारिश आने तो बाद थोड़ी स्मॉग घट गई है, एयर क्वालिटी थोड़ी बैटर हो गई है लेकिन फिर भी अभी जोड़ा है स्मॉग थोड़ी जी हैगी है, तो अपनी जी तली चीज बाजार की चीज बर्फ वाली चीज़ा तो टेंपरेचर डिफरेंस जो अंदर बाहर रहा है वो जो ख्याल रख के चलो स्टीम लो। मेरी हमेशा ही गुजारिश यही रही है हालांकि आप कोविड के टाइम में भुल गए हैं पर मेरी गुजारिश हजे भी यही है कि मास्क पा के रखो, पब्लिक प्लेसिस खास करके तो हॉस्पिटल जाते हो पब्लिक प्लेसिस जाते हो मास्क जरूर पा के रखो, ये तो काफ़ी हद तक जो है रेस्पिरेटरी डिजीज तो बचा सकते।